छात्रों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं में अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो भारत देश है उसमें लोकतंत्र है, मतलब जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुना जाता है और हमारे संविधान में चुनाव के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो हम उन्हीं बिंदुओं को पढ़ते हैं, सांविधानिक प्रावधान वहीं पढ़ते हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं कि किस प्रकार हमारे संविधान में चुनाव की पद्धति को, चुनाव के किस प्रकार नियम बनाए गए हुए हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे चुनाव की विभिन्न विधियां, हमारे देश की चुनाव व्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व और चुनाव सुधार पर होने वाली बहसें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव और लोकतंत्र, लोकतंत्र का संबंध चुनाव से है और चुनाव का संबंध लोकतंत्र से है। क्या हम बिना चुने, जो हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, प्रजातंत्रात्मक, क्या हम बिना चुने उसको अच्छे से रह सकते हैं, कायम कर सकते हैं लोकतंत्र, या इसका उल्टा करिए, क्या हम लोग बिना लोकतंत्र के चुनाव करवा सकते हैं कि जनता का कोई भी उसमें रोल ना हो? तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। तो चुनाव के विभिन्न तरीके हैं, ये आपको संक्षिप्त में बताए जा रहे हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, जब जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से हम पद धारक का चुनाव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये विधायक वगैरह के जो पद हैं, सांसद हैं, ये सब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जब निर्वाचक मंडल, एक मंडल बनाया जाता है, उसमें कुछ चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, फिर उन सदस्यों के द्वारा पद धारक का हम चुनाव करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब भारत में चुनाव व्यवस्था निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो, जिससे सारी जनता को उसका लाभ मिल सके, तो पहली व्यवस्था है बहुलवादी व्यवस्था, नाम से ही, जिसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला जीत जाता है, मतलब जो वोट है उनको गिनते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा गिनने में आते हैं, संख्या ज़्यादा होती है, तो इसको जो सबसे आगे वही जीते कहा जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। और ये प्रणाली, ज़्यादातर यही प्रणाली हमारे भारत देश में प्रचलित है, लेकिन कहीं कहीं सामानुपातिक व्यवस्था का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता हम सूची तैयार कर लेते हैं और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का उसे कोटा दिया जाता है। तो चुनाव की इस व्यवस्था को बोलते हैं सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अब हम दोनों प्रणाली में अंतर यहाँ देख सकते हैं, सर्वाधिक वोट प्रणाली, वोट पाने की जीत, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों में अंतर, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो पूरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होना है देश में, वहाँ वो छोटे छोटे उनको जिले, कस्बे, क्षेत्र परिसीमन आयोग के द्वारा उनको बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता मतलब आम जनता, उसके भी नियम, जिनकी 18 वर्ष आयु हो गई है वही मतदाता कहलाते हैं। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, वो गिनती के आधार पर, जो उम्मीदवार जीतता है जरूरी नहीं कि उसे वोटों का बहुमत मिले, वो मतलब गिनती के आधार पर भी जीत सकता है, जैसे कि भारत में पहला अपन ने अभी पढ़ा, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सामानुपातिक प्रतिनिधित्व,
तो इसमें क्या करते हैं कि सभी आम जनता भाग नहीं लेती है इसमें, किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि हैं जो चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये समानुपातिक जो रहता है प्रतिनिधित्व के आधार पर, उसका एक हम उदाहरण बता रहे हैं आपको किस प्रकार चुने जाते हैं। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं इसको हम। तो इसमें जैसे राज्यसभा में हमें मान लो चार पदों को, हमें चार पद हैं वहाँ पर, चार सीटें हैं, चुनाव लड़ना है उसमें, तो क्या करेंगे कि राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा उसको प्राप्त करना पड़ेगा। प्रत्येक राज्य के जो विधायक ही मतदाता होते हैं और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। मतलब एक बार वोट नहीं देता, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर सबसे कम, इस प्रकार सभी को वोट डालना पड़ेगा वरीयता क्रम में। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए एक सूत्र है। इस प्रकार हम वो कोटा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, कुल मतदान मान लो 200 लोगों ने भाग लिया और उम्मीदवार खड़े हुए हैं 4+1, और इस प्रकार कोष्टक 1 और ये +1। जैसे एक उदाहरण दिया है कि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, तो इस प्रकार चुनेंगे। मतलब उसको 41 वोटों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने उसका कोटा निकाल लिया। अब हम पढ़ते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। समाज में सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। कुछ पहले के समय में क्या था, कुछ दबंग और उच्च जातियों को ही ये चुनाव वगैरह में उच्च स्थानों में उनको पद मिल जाते थे और जो कमज़ोर वर्ग हैं वो पीछे रह जाते थे। तो समाज के सभी सामाजिक समूहों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके, तो इसके लिए ये हमने निर्वाचन क्षेत्रों का क्या किया है, आरक्षण किया है। और ये कार्य करता है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें, पारदर्शी हो सकें। तो हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी हो जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हों, उनके द्वारा जो व्यक्ति चुना हुआ है वो सामने आए न्यायपूर्ण ढंग से। अब हम पढ़ते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये वाला पॉइंट भी संविधान में लिखा हुआ है। 1989 तक भारत में जो आयु थी वोट देने की वो थी 21 वर्ष के ऊपर के लोग ही वोट डाल सकते थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया, और ये भी समानता के सिद्धांत पर है। अब भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी बनाया गया। तो वो जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, उसकी जिम्मेदारी है कि भारत के सभी जो भी निर्वाचन वाले पद हैं उनका ईमानदारी से चुनाव करवा के उस पद को भरना है। तो ये निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और कुछ अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। पहले दो हुआ करते थे, अब शायद इनकी संख्या ज़्यादा भी कर दी गई है। तो जो इनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है, और इन्हें संसद के विशिष्ट बहुमत से पदच्युत भी, मतलब उनके पद से हटाया भी जा सकता है, या वो निर्धारित अवधि के पूर्व राष्ट्रपति
को भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो भारत में जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है उसके कार्य हैं चुनाव की जो तारीखें हैं वो निर्धारित करना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतलब कितना एरिया कहाँ से कहाँ तक ये आएगा, किस वार्ड में कितने लोग वोट देंगे, तो वो क्षेत्र का जो सीमांकन करना है वो ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और प्रत्याशियों जो भी खड़े हुए हैं उनकी चुनाव व्यय की जो खर्च होता है उसकी जानकारी की जांच करना, चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाना और चुनाव से जुड़े विषयों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को आवश्यकता अनुसार उनको सलाह देना, ये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो हमारी चुनाव व्यवस्था जो है अभी वो है सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होनी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था, जिससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। ये हमारी चुनाव सुधार की व्यवस्था में ये वाला बिंदु रखा गया है। संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई सीट पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं, तो कहीं कहीं पर इसका भी प्रावधान किया गया है। धन के प्रभाव को चुनाव में नियंत्रित किया जाए और अधिक कठोर प्रावधान होनी चाहिए ताकि हम विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान तो होते ही है लेकिन उस पर भी चुनाव खर्च थोड़ी कम होना चाहिए। जिस उम्मीद मान लो जो खड़े हुए हैं उन पर कोई फौजदारी का मुकदमा या कोई केस चल रहा है तो उसे रोक देना चाहिए भले उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली है उसको नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। तो ये हमारी चुनाव प्रणाली के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, इन पर आम राय बन जाए तो कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उम्मीदवार, राजनीतिक दल और सभी लोग हैं जो वो चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका भावना का क्या करें, सम्मान करें। धन्यवाद।